लाइन से चलो। दूसरा सवाल हमने कल करा दिया था आपको, तीसरा देखो। आप तीसरा और तेरहवा दोनों करा दो। तीसरे सवाल में कह रहा है कि आकृति आपको यहां दिख रही है, एग्जाम में भी ये सवाल में लिख के बन के आएगी आकृति ए डी बी और ए से लम डाला गया है इस पर, ये सी है और ये कोण भी नब्बे। इतना सवाल त्रिभुज ए बी डी में ए सी जो है वो लम है बी डी पर तथा कोण ए जो है वो आपके पास नब्बे, ये आपको ज्ञात है। और क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है पहला पार्ट ए बी का वर्ग बराबर बी सी डॉट बी डी, दूसरा ए सी का वर्ग बराबर बी सी डॉट डी सी, और तीसरा इधर लिख देते हैं ए डी का वर्ग बराबर बी डी डॉट। तो पहले पहला देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, फिर दूसरा। पहला है ए बी, इसमें ए बी भुजा आ रही है, बी सी भुजा आ रही है और बी डी भुजा आ रही है, बी डी। तो हम देखते हैं छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज। छोटे त्रिभुज है ए सी बी और बड़ा त्रिभुज है बी ए, इन दो में दो कोण बराबर मिल जाए। ये वाला तो कोण इसी के बराबर है और ये 90 डिग्री वाला कोण जो है ये 90 डिग्री के बराबर है, दो कोण बराबर मिल गए। दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? साथ साथ इनके संगत भुजाओं का अनुपात, पहले संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे या पहले त्रिभुज समरूप होंगे? हम जनरली ऐसा करते हैं कि पहले हम त्रिभुज को समरूप ले लें, लेकिन अगर आप प्रमेय पढ़ेंगे तो प्रमेय में आप संगत कोण बराबर अगर दो मिल गए आपको तो डायरेक्ट आप संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते, उसके बाद आप कह देंगे कि भाई ये दोनों त्रिभुज समरूप। तो उत्पत्ति देखते हैं, शुरुआत यहीं से करो। इन त्रिभुजों में झांकते हैं, नाम लिखते हुए त्रिभुज का ये ध्यान रखना जो संगतता है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। पहले इस त्रिभुज का नाम लिखो, त्रिभुज बी ए टी तथा। अब दूसरे त्रिभुज का नाम लिखते हुए ध्यान रखो कि इस त्रिभुज का बी कोण इस छोटे वाले त्रिभुज के कौन से कोण के बराबर है? बी के बराबर है, तो बी से शुरुआत होगी। फिर इस बड़े वाले त्रिभुज का एक कोण 90 है, वो छोटे वाले के कौन से कोण त्रिभुज कोण के बराबर है? तो तीसरा वाला तो आप यहाँ पे लिख दो कि कौन सा बिंदु बचा है। इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हम जानते क्या क्या है भाई, यहाँ पे जरा देखो, कोण बी ए डी बराबर है कोण ए सी बी। कोण का नाम लिखने का तरीका मैं रोज बताता हूँ, कोण के नाम लिखने का तरीका है कि ये शीर्ष कहलाता है कोण का, ये कोण बनता है। नाम लिखने के लिए एक ये इसकी भुजाएं कहलाती हैं, इस भुजा पर स्थित एक बिंदु लो, शीर्ष को बीच में लिखो और दूसरा बिंदु बाकी, ये कोण को नाम लिखना है। अब हम देख रहे हैं ये वाला कोण 90 वाला इस 90 के बराबर है, इसका नाम कैसे लिखेंगे? बी ए डी, बी ए डी बड़े वाले 90, छोटे वाले त्रिभुज का 90 ये है, इसका नाम क्या होगा? कोण ए सी, ए से बना सी पर बना, ए से बनना शुरू हुआ सी पर बना और इस पर खत्म, क्यों है ये भी बता दो, समकोण है इसलिए आपस में बराबर है। अच्छा दूसरा कोण ये वाला है, इसका नाम कैसे लिखें बड़े वाले त्रिभुज में? बड़े त्रिभुज में डी बी ए, कोण डी बी ए बराबर है छोटे त्रिभुज के हिसाब से इसका नाम क्या होगा? सी बी, क्यों? जो दोनों में स्थित होता है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। जलचर खलचर उभयचर, जलचर जल में चलने वाले, खलचर खल पे चलने वाले, उभयचर दोनों में चलते, उभय का मतलब बोथ कॉमन। अब अगर दो कोण बराबर हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर। अब दो कोण बराबर होने से इन्हीं कोणों के सामने वाले भुजाएं ले लेते हैं, ये वाला कोण इसी कोण के बराबर है, तो पहले
इस वाले कोण में बड़े त्रिभुज की भुजाएं ऊपर लिखेंगे और छोटे त्रिभुज की भुजाएं इसके सामने कौन सी भुजा है एडी, ये तो इसी के बराबर है, इसके सामने कौन सी है एसी, फिर ये 90 वाले के सामने ले लो, 90 वाले सामने बड़े त्रिभुज में बीडी आ रही है और 90-90 वाले छोटे त्रिभुज में कौन आएगी, अब कौन सी भुजा बची छोटे वाले त्रिभुज की, एसी हो गई। ये वाला कौन, अब ये 90 वाला इस 90 के बराबर है, ये वाला इसी के बराबर है, तो जब इधर से अब संगत भुजाओं का जो अनुपात लेंगे तो आप तीसरी भुजा बताओ कौन सी होगी, इसकी ऊपर एडी आ गई भुजा, बीडी आ गई, ए भी बची, ए भी बटे, और दूसरे वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा बची है, एसी आ गई, बी ए आ गई, कौन सी बची है, ठीक है। और जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, तथा ये दोनों बातें एक साथ होती हैं, त्रिभुज बी ए डी समरूप होगा त्रिभुज बी सी ए के, और ये कौन सी क्रम से होता है, ए ए समरूपता है, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा इसमें देखो इन तीनों में से कौन सी चीज है जो हमारे काम की है जिसको गुणा करते हमारा उत्तर आ जाएगा, इनको बराबर लेंगे इसकी इससे गुणा करेंगे इसकी इससे, कोई फायदा नहीं, इन दोनों को बराबर ले लिया अगर तो ए बी की गुणा ए बी से करोगे तो क्या बी ए और ए बी, ए बी लिखा है और बी ए लिखा है मतलब तो एक ही है ना, तो हम बी ए को बाद में ए बी लिख देंगे, यहाँ दिख रहा है, इनकी गुणा करोगे तो ए बी की घात दो आ जाएगा, बराबर कितना आएगा बी डी गुणा बी सी, तो हमें यही तो सिद्ध करना था पहले पार्ट, ठीक है। तो इसी को ले लेते हैं, यहाँ से तीनों बराबर है, हमने इसमें ले लिया इसको बी डी बटा बी ए बराबर ए बी बटा, थोड़ा संभाल के लिखो, ये भी है तो इसको भी ए बी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, अब तिरछी गुणा कर लो क्या आएगी, तिरछी गुणा ए बी डॉट ए बी बराबर बी डी डॉट का मतलब गुणा बी सी, ए बी गुणा ए बी हो गया, ये तो सिद्ध करना था पहले पार्ट का, ठीक है। इतनी सवाल समझ में आ गया, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अच्छा ये बताओ जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके सभी संगत कोण आपस में बराबर हो, तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये 90 90 के बराबर, तो ये वाला कोण तो बचा, ये किसके बराबर होना चाहिए, और ये कोण कैसा है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, ठीक है, इसीलिए हमने ये समरूप वाला ये लिखा है। अब क्योंकि त्रिभुज बी ए डी हमने सिद्ध कर दिया था समरूप है त्रिभुज बी सी ए के, और समरूप त्रिभुजों को समान कोणिक त्रिभुज भी कहते हैं, यानी जो त्रिभुज समरूप हैं उनके संगत कोण भी समान होंगे, तो अब तीसरा कोण कौन सा बचा है यहाँ से, दो तो हमने ले लिए थे, तीसरा और बराबर ले लेते हैं, यानी ये वाला कोण इसके बराबर, भाई ये आप देखो ना इस छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला इसी के बराबर था, 90-90 के बराबर, तो छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण बच रहा है, बड़े वाले का ये बच रहा है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, कोण बी ए सी बराबर होना चाहिए कोण सी डी ए या बी डी ए, क्यों, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर, कोई दिक्कत। अब इस वाली बात से हम इन दोनों त्रिभुजों को देख लेते हैं, इसका नाम लिखो जरा ध्यान से, सी तो बीच में आना है, ए सी बी इसका नाम लिख लिया, तथा इस वाले त्रिभुज का नाम लिखेंगे तो ये तो सी तो पता है कि यहाँ है, लेकिन ये वाला जो कोण है ए ये किसके बराबर है, इस त्रिभुज का जब ए लिखेंगे उसकी जगह, जब ये वाले त्रिभुज का नाम लिखेंगे तो इस जहां ए आ रहा है इस त्रिभुज में वहां पे क्या आना चाहिए, डी, तो जहां ए आ रहा है वहां क्या आना चाहिए, कौन सी अब बची इसमें लिखने के लिए, ए मैं इसमें छाप लिया,
देखो ये 90 तो 90 के बराबर, कोण ए सी बी बराबर कोण ए सी डी, क्यों समकोण, और उसके अलावा कोण बी ए सी बराबर कोण सी डी ए सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर तो दिया, ठीक है नहीं करा सकते, करा दो सी डी ए कहो इसे चाहे बी डी ए कहो, अगर भाई इस कोण की ये पूरी भुजा है ना तो इस भुजा पे एक स्थित बिंदु लेना, तो इसका नाम लिखते हुए चाहे सी डी ए नाम लिख दो इस कोण का, चाहे बी डी ए लिख दो, शीर्ष तो बीच में आ रहा है और एक भुजा पे स्थित बिंदु और दूसरी भुजा पे स्थित बिंदु, नाम तो इसी कोण का आ रहा है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, यहाँ लिख भी दिया देखो बी डी ए लिखा है तो बी डी ए कोण सी डी ए कोण के बराबर होगा, चाहे यहाँ से शुरू कर लो बी डी ए चाहे यहाँ से शुरू कर लो सी डी, ये आपको चित्र से ही दिमाग में रखना पड़ेगा, एक्चुअली पूरी ज्यामिति जब हम हल करते हैं तो चित्र को देखकर ही चीजों को लिखा जाता है, पूरा फोकस चित्र पर रहता है, जिसने चित्र सही बना लिया तुम सीधे बैठो बेटा, कैसे बैठ गए जगह नहीं बैठने की, क्या ये स्टूल है तो आगे आ जाओ, पीछे बेंच पे तीन बैठे चार हो जाओ, चेयर है देखो एडजस्ट करो, अच्छा भाई ये दोनों त्रिभुज ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो जब दो कोण बराबर होंगे तो फिर से संगत बुझाऊंगा अनुपात निकालो, और वैसे भी हमने बताया था जब आपने यहाँ पर ध्यान दे लिया इस बात का, ध्यान दो यहाँ पर ध्यान दे लिया तो यहाँ से लिख सकते हैं नहीं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ से कैसे लिखेंगे ए सी बटा बराबर सी बी बटा बराबर बटा कौन सी प्रमेय से तथा दोनों बातें एक साथ आती हैं कि त्रिभुज ए सी बी जो है वो समरूप भी होगा त्रिभुज डी सी, अब मान लो मैं इसको ऐसे नहीं लिखता मैं संगतता के हिसाब से लिखता तब कैसे देखते 90-90 के बराबर है, 90 के सामने कौन सी भुजा है ए बी, उसके बटे में कौन सी भुजा आनी चाहिए देखो ए बी बटे ए डी आर, फिर ये वाला कोण इसके बराबर है इसके सामने कौन सी भुजा है सी बी, इसके सामने कौन है CA, तो सी बी बटा सी आ रहा है सी बी बटा सी आ रहा है, तो दोनों त्रिभुजों एक एक भुजा तो बची नहीं तो देख ठीक है, नहीं तो यहाँ नाम से देख लेते हैं जब लिखते हुए हमने पहले ध्यान रख लिया कोणों का, तो ए सी बटा डी सी बराबर सी बी बटा सी ए और ए बी बटा आगे बढ़ो, अब इनमें देखो कौन सा काम का है आपका जिनको बराबर लेने से आपका सेकंड वाला उत्तर आ जाता है एसी बटे डीसी बराबर सीबी बटा, क्योंकि सीए को एसी लिखोगे एसी गुणा एसी एसी का वर्ग बन जाएगा, तो यहाँ से हम इसे ले लेते हैं एसी बटा डीसी बराबर डीसी बटा एसी, ठीक है इसको अच्छा कंफ्यूज ना हो इसलिए चलो सीबी लिख देता हूँ इसे सीए लिख देता हूँ, अगली लाइन में लिख देता एसी बटा यहाँ क्या लेना है डीसी बराबर इसको बीसी लिख लो और इसे एसी, अब तिरछी गुणा करो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया, अब तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट है त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज ध्यान से देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ डी सी ए और बड़े वाले त्रिभुज का नाम लिखेंगे तो डी ए सी डी ए डी, देखो क्या क्या बराबर है, एक तो कोण सी डी ए देखो बराबर है कोण ए डी बी के है, और दूसरा कोण ए सी डी बराबर है कोण डी ए बी, ये क्यों बराबर है चित्र में देखो, और ये क्यों बराबर है यहां से अगर ये दो कोण बराबर हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा,
देख लो बड़े वाले तो उसको पहले लेंगे, डी के सामने बटे छोटे त्रिभुज में डी के सामने कौन है? नब्बे डिग्री पकड़ो, नब्बे के सामने कौन है? बी डी। अरे बड़े त्रिभुज में नब्बे के सामने कौन सा भुज है? तो छोटे त्रिभुज में नब्बे के सामने कौन है? देख के बोलो आराम से, ये नब्बे है, इसके सामने कौन सी भुज है? बराबर। तीसरी कौन बची है भाई? एसी आ गई ऊपर, एसी आ गई, बीडी आ गई, एसी आ गई ऊपर, एसी कहाँ आएगी? ऊपर एडी आ गई और बीडी आ गई, एडी बची। और छोटे त्रिभुज में एसी आ चुकी है, एडी आ चुकी है, साथ साथ तथा त्रिभुज DCA जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज DA। DA ये कौन सी प्रमेय लगी है ऊपर? ठीक है, अब इसमें से देख लो जो काम का है निकाल लेते हैं। ये दोनों काम के दिखाई दे रहे हैं, BD बटा AD बराबर CD, फिर से गुणा कर लो AD डॉट AD बराबर BD डॉट CD। AD की AD से गुणा करोगे AD स्क्वायर बराबर BD डॉट CD। ये चलता है, नोट करो।